कंडीशन काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत अच्छा कंडीशन है। मेडिकल टेक्स्ट बुक में अभी कुछ नया स्टॉक आया हुआ है मेरे पास, बी डी चौरसिया और के डी त्रिपाठी आप लोगों को भी दिखाया दूंगा, बहुत दिन बाद आया हुआ है मेरे पास, जो अभी जुना स्टॉक था सारे ख़त्म हो गया था। आज ही कुछ आया हुआ है, के डी त्रिपाठी 3 कॉपी है और बी डी चौरसिया है। एक्चुअली मेरे पास नहीं, मेरे बाजू वाले के पास आया हुआ है, तो मैं भी दिखा दूँगा आप लोगों को तीनों। मेरा ये जो दुकान है, ये दुकान के अंदर है, तो पहले मैं अपना कलेक्शन दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या है अभी बचा हुआ। ये सामने देख सकते हैं सारे है मेडिकल मैनुअल ऑफ सर्जरी हेयर का फाउंडेशन, गायनोकोलॉजी शो का आनंद नारायण का है, पैथोलॉजी का, पैथोलॉजी तो ये कोई इंडियन राइटर है, हर्षमान का भी है पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर रखा हुआ है, ये जुना वाला बायोकेमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल मेडिसिन अलगप्पन का है, यस अलगप्पन, और टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का है, डेंटिस्ट्री का भी बुक लगा हुआ है। डिंगरा आया है, ये नहीं था हमारे पास, ये 7th एडिशन है, डिंगरा 7th एडिशन चलता है, अच्छा कंडीशन में है, तो सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। 7th एडिशन था मेरे पास चौरसिया का, चौरसिया भी ख़त्म हो गया, देख सकते ये पैथोलॉजी हर्ष मोहन, ये 7th एडिशन पड़ा हुआ है, बहुत लोग 7th एडिशन भी लेते हैं, 7th एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी गाय का, ये एक्चुअली 3rd ईयर के लिए है, ओरल पैथोलॉजी टेक्स्ट बुक मिक्स लगा हुआ है सारे। जोशी का ये जुना एडिशन है, इम्यूरोलॉजी इंद्रजीत सिंह ह्यूमन इम्यूरोलॉजी एनाटॉमी ये कौन से कौशल, ये कोई इंडियन लेटर है, क्लिनिकल इम्यूरोलॉजी भी है, गाइटेनल हॉल ये 2nd ईयर के लिए ये पड़ा हुआ है, गाइटेनल हॉल का, और एक दूसरा ये इंटरनेशनल एडिशन वाला भी है, ये देख सकते हैं, ये सॉरी ये भी साउथ एशिया एडिशन है, ये दूसरा कौन सा एडिशन कौन सा साउथ एशिया का है, 3rd एडिशन है ये, और ये 2nd एडिशन है, तो वो थोड़ा नया है। अंबेडकर नया है, डेविडसन देख सकते हैं यहाँ पे नया एडिशन है एकदम, इसका जुना एडिशन भी है डेविडसन का हमारे पास, गायनेकोलॉजी डीसी दत्ता, ये भी कोई जुना एडिशन है, नया नहीं है, और फॉरेंसिक मेडिसिन में बहुत सारा बुक था, बहुत ज़्यादा बुक था फॉरेंसिक मेडिसिन, स्नेल का भी क्या नाम है उसका, रेड्डी, ये रेड्डी है, और एक क्या नाम है उसका भूल गया मैं, वो भी था अभी बहुत सारा, वो सोल्ड हो गया मेरे पास से, तो फिलहाल इतना स्टॉक है मेरे पास, अंदर और भी है, अंदर सब निकालने को नहीं होगा, ए पी आई वगैरह रखा हुआ है, तो उनके पास जो नया का स्टॉक आया हुआ है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, देख लेना, तो रेगुलर नहीं आता है, कभी कभार ही आता है मेडिकल बुक्स, यहाँ पे मेरे बुक था मेरे पास पूरा ख़त्म हो गया अभी बहुत सारा, ये भी गाइटेनर हॉल का ही है, वो भी ये कौन सा है, ये के एक जैन नहीं, ये जी के पल है, ये बी डी चौरसिया का 1 & 3 है, यहाँ पे है ट्रेडिशन, ऑप्थाल्मो का है पुराना ऑप्थाल्मो, इंद्रवीर सिंह का ह्यूमन इम्यूरोलॉजी, ये भी इम्यूरोलॉजी, ये न्यू एडिशन है,
के पास दिखा देता हूँ क्या क्या है आया नया। देखते हैं इनका इतने पास आया हुआ है गाइडेन हॉल, ये भी सेकंड एडिशन है, ये तो मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बीडी चोरों से क्या है, एट एडिशन, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 सेट है। कंडीशन भी एकदम अच्छा है और 8 एडिशन जल्दी नहीं मिलते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एसेंशियल माइक्रोबायोलॉजी अपूर्वा शास्त्री, ये भी पिछले 2-3 दिन पहले मैं बेचा था, मेरे पास आया था, ये भी बहुत लोग मांगते हैं, ये अभी आया हुआ है। ह्यूमन इम्ब्रोलॉजी भी इंद्रवीर सिंह का मिलता रहता है और टेक्सटबुक ऑफ फिजियोलॉजी के जैन ये तो पड़ा हुआ है मेरे पास, और कम्युनिटी मेडिसिन ये है, और हो गया केडी त्रिपाठी। एक मिनट ज़रा पीछे आ जाओ। हाँ यस, ये हो गया अपना केडी त्रिपाठी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, मेन बुक अंदर रख ला के रखा हुआ है। कंडीशन काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत अच्छा कंडीशन में है, अंदर थोड़ा बहुत मार्किंग रहता है लेकिन कंडीशन एकदम टकाटक है। 1000 रुपये का है ये, 1000 रुपये बोले तो ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, चीज़ मिलना चाहिए खाली बस। सेंचुरी मेडिकल, ये तीन है, तीनों का कंडीशन काफ़ी अच्छा है, कंडीशन तो लेके जा सकते हो जिसको ज़रूरत है। ये तीनों है तो कंडीशन काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं कंडीशन एकदम, तीनों में खुल कर देख लिया अभी, कंडीशन एकदम अच्छा है, एक नंबर कंडीशन है, कंडीशन का कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छा कंडीशन। और केडी त्रिपाठी का ये तीन ही है अभी अपने पास। बीडी चोरोसा का भी कंडीशन अच्छा ही है, मैं कंडीशन भी दिखा देता हूँ। अच्छा है कंडीशन, अंदर मार्किंग ज़्यादा नहीं है, नया आया हुआ था तो बता दिया मैं आप लोगों को। किसी को कुछ चाहिए रहेगा तो मेरे को कमेंट्स कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मुंबई के बाहर अगर किसी को भेजना रहेगा तो मेरे को 1000 के ऊपर अमाउंट रहेगा तो भेजूंगा, 1000 के अंदर अमाउंट रखते हुए मेरे को भी टाइम नहीं है जाने के लिए, 1000+ अमाउंट रहेगा तो मैं कुरियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ।